नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूँ वनिता रघुवंशी। आइए अब शुरुआत करते हैं महिलाओं से जुड़े इस खास कार्यक्रम की, जहाँ मैं लाती हूँ कुछ ऐसी खबरें जो होती तो हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है खास आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारी एक्सपर्ट से, जानेंगे मैनेजमेंट की फील्ड में बढ़ते स्कोप के बारे में, देखेंगे इंजीनियरिंग का कोर्स किस तरह से बन रहा है लड़कियों की पहली पसंद, जानेंगे फार्मेसी से जुड़े करियर के बारे में, देखेंगे मार्केट में आई फुटवेयर की नई वैरायटीज को, जानेंगे महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के बारे में, किस तरह प्रोफेशनल कोर्सेज में लड़कियां बना रही हैं अपना करियर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे आज के मुद्दे के साथ और जानते हैं क्या है वो समस्या जिसे हमने बनाया है आज का मुद्दा। समझ हमें को मल नारी तुम भूल ना ऐसी कर देना, करना पाए कुछ भी जग में, करना पाए कुछ भी जग में भावना ऐसे डर लेना। तो हम स्वतंत्र भारत की महिलाएं अपने देश अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क हैं। ये किसी एक महिला नहीं बल्कि आज की लगभग हर महिला के दिल की आवाज़ है। ये महिलाएं आज सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हैं और हो भी रही हैं, क्योंकि बदलते दौर का यही आगाज है और जहां महिलाओं के साथ ईव टीजिंग जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसमें जरूरी हो गया है कि सेल्फ डिफेंस के तरीके को भी वो जानती हों। ऐसे में लड़कियों को उसकी ट्रेनिंग देने का काम कर रही है दिल्ली पुलिस, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के जरिए महिलाओं को बचाव और सुरक्षा के गुर सिखा रही है। बहुत कुछ सीखा, काफ़ी अच्छा था। हमने स्कूल की छुट्टियां थी और हम लोगों ने सीखा कि अपनी सेल्फ के लिए हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम बाहर जाते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह। इससे हम अपनी खुद सेफ्टी कर सकते हैं, अगर हमें कहीं कोचिंग पे जाना हो तो हम अपने आप भी जा सकते हैं, इसलिए हमें अपने पेरेंट्स की लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने सीखा है किस तरीके से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, किस तरीके से पेन पेंसिल बुक दुपट्टा इसको वेपन बना सकते हैं। हमेशा कॉन्फिडेंट रहो और जो भी आपके ऊपर अटैक करता है उसको डिफेंड करने के लिए आवाज़ उठाओ और वुमेन हेल्पलाइन को कांटेक्ट करो। आज महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं के चलते इस तरह की ट्रेनिंग इन लड़कियों के लिए खासा जरूरी हो गई है। सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी है प्रेजेंस ऑफ माइंड, ताकि आप सही वक्त पर सही रिएक्ट कर खुद का बचाव कर सके। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, उससे अपने बचाव की अपने सुरक्षा के टेक्निक्स ये लोग सीखते हैं। तो अगर कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, किसी डेंजर में रहें, तो ये अपने को बचा सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे अटैक होते हैं, ईव टीजिंग होती है, रेप केसेस होते हैं और लड़कियाँ बहुत परेशान होती है। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें ये ट्रेनिंग दी गई है और हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम कभी भी किसी भी सिचुएशन को अपने आप हैंडल कर सकते हैं। यूँ तो आज लड़कियाँ कहीं भी किसी से पीछे नहीं, लेकिन खुद की सुरक्षा की चिंता और उससे रिलेटेड डर कहीं ना कहीं उनकी प्रगति पर असर डाल रहा है। इसलिए आज जरूरी है सेल्फ डिफेंस के तरीकों से रूबरू होने की, ताकि आप कॉन्फिडेंटली और बिना झिझक अपनी मंजिल को तय कर सके। इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमने बातचीत की हमारे एक्सपर्ट से। रश्मि जी, आज कितना जरूरी है महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना? सेल्फ डिफेंस इज जूडो, कराटे, ऑल दीज थिंग्स विच प्रोटेक्ट अ वुमन और आई थिंक हमारी और प्रोटेक्ट एनीबडी एक्चुअली, बट महिलाओं के लिए खासकर। बट इफ़ यू लर्न दीज ट्रेनिंग्स तो फिर हमारे लिए अच्छा है, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। सो आई थिंक फॉर आर डॉटर्स एंड फॉर आर चिल्ड्रन इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी इन टूडेज वर्ल्ड टू लर्न सेल्फ डिफेंस। मैम, आज महिलाएं किन चीज़ों की मदद से अपना बचाव कर सकती हैं? आजकल तो जरिए बहुत हैं, वी आर वेरी ये जो मोबाइल होता है दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ आर best tools for self defense. You can straight away dial 100 number, you can call for help at any point in time. Aajkal pepper sprays milte hain, I think pepper sprays are very very handy, bag mein fit aa jate hain and you can defend, and of course these self defense classes. Sabse zyada I think jo self defense ka tool hai that is presence of mind, kyunki jo cheez kab kya karna hai wo hame khali presence of mind se aata hai, that is the most important tool. मैम, कामकाजी महिलाओं के साथ हाउसवाइफ के लिए भी सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है? औरतें जो घर पे रहती हैं, सारा दिन अकेली रहती हैं, काम के लोग आते हैं, कुरियर्स आते हैं, हज़ार लोग आते हैं, उनके लिए भी ये ट्रेनिंग्स तो बहुत ही ज़रूरी हैं। सो आई थिंक वुमेन ऑल इन ऑल नीड टू लर्न टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सो इट इज़ नॉट ओनली वेदर इट इज़ अ वर्किंग वुमन और अ हाउसवाइफ, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन। लक्ष्मी जी, आज भी जो महिलाएँ अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कोई महिला कमज़ोर नहीं है, हमारे अंदर जो शक्ति है वो
शायद ही किसी आदमी में हो. यू हैव स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रांग, डोंट बी वीक. देयर इज नो नीड फॉर यू टू बी वीक.